हेलो बच्चा बाड़ी, व्हाट्सअप। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आ गए हैं आपके सत्यवीर भैया आज लेकर के आपके लिए वीडियो एसएस के ऊपर। हालांकि वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, बट देन टू मैंने ट्राई किया, जितना जल्दी मुझे टाइम मिला उस तरीके से मैंने टाइम मैनेज करके आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएस की। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूंगा ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज आप लोगों की भी एग्जाम है, तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देख सको और जल्दी से समझ सको कि पेपर किस तरीके से देखना है। सेक्शन ए की अगर बात करते हैं तो सेक्शन ए के अंदर वन मार्कर के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 24 क्वेश्चन हो गए 24 मार्क्स के। सेक्शन बी के अंदर अगर हम देखते हैं तो 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच, एंड वो रहेगा 18 मार्क्स का। सेक्शन सी के अंदर अगर हम देखें तो सेक्शन सी जो है आपका वो 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे 3 मार्क्स के, तो वो हो जाएगा आपका 18 मार्क्स का। सेक्शन डी के अंदर अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे 4 मार्क्स के, टोटल हो जाएगा 20 मार्क्स आपका। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सीधा टाइम मैनेजमेंट का। आप लोगों का ये वाले वीडियो में मैं नहीं चाहता कि थोड़ा भी टाइम वेस्ट हो, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ जितना जल्दी आप लोगों को हो सके ये टाइम मैनेजमेंट समझा दो। तो लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के पास होते हैं एग्जैक्टली 3 आवर्स एग्जाम के अंदर और 1 आवर कंटेन 60 मिनट्स, तो आपके पास टोटल होते हैं 180 मिनट्स, जिसमें से मुझे पता है कि एसएस के अंदर आपका सेक्शन ए जो कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े बहुत ट्रिकी होंगे, तो सेक्शन ए आप कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर लोगे। तो इसीलिए सेक्शन ए को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 20 मिनट्स। तो आपको क्या करना है, 20 मिनट्स के अंदर आपको आपका सेक्शन ए कंप्लीट कर देना है। आफ्टर दैट आपके पास बचेगी 160 मिनट्स। 160 मिनट के अंदर आपको 35 मिनट्स के अंदर आपका सेक्शन बी कंप्लीट करना है। सेक्शन बी के अंदर वैसे अगर हम देखें तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो हाफ पेज की लेंथ जो होगी वो मोर देन इनफ होगी आंसर्स लिखने के लिए। तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखते हुए पेपर लिखना है। और अगर आप हाफ पेज की लेंथ दे रहे हो, आपको 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको 4.5 पेज भरने होंगे। 4.5 पेज के अप्रोक्स की आपकी लेंथ आएगी। तो मेरे हिसाब से 35 मिनट्स इज लाइक सफिशियंट, जहाँ पे आप इतनी लेंथ दे करके अच्छे से आपके आंसर्स अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द 3 मार्कर्स क्वेश्चन, वहां पे आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल। तो जब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, अब 3 मार्कर के अंदर आप मिनिमम जो लेंथ दोगे वो 1 पेज की लेंथ दोगे। अगर आप 1 पेज की लेंथ देते हो तो यहाँ पे आपके जो टोटल पेजेस जाएंगे वो 6 पेज जाएंगे। तो 6 पेज की लेंथ अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए मेरे हिसाब से 50 मिनट्स इज लाइक मोर देन इनफ, बिकॉज यहाँ पे जब आप एक आंसर लिखते हो तो कंसिस्टेंसी आती है, थोड़ा स्पीड जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 50 मिनट्स दिया हुआ है। लास्ट आपके पास बचते 75 मिनट्स, आपके पास होगा आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन के टोटल 5 क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा आपको ना अपनी स्पीड को बूस्ट करना होगा, बिकॉज देखो जब हम कंसिस्टेंटली लिखते चले जाते हैं तो एक स्पीड, एक ग्रिप जो होती है वो आ जाती है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ये 5 क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं 60 मिनट्स के अंदर, एंड एट द एंड आपके पास बच जाएगी 15 मिनट्स। तो जैसा कि आगे की वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि जो 15 मिनट आपके बच जाते हैं वो 15 मिनट में से आप 10 मिनट जो है वो कहाँ यूज़ कर दोगे, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर यूज़ करोगे, और उसके अलावा अगर रीचेक करना है तो रीचेक करने के लिए आप यूज़ करोगे, और बाकी की जो 5 मिनट है वो 5 मिनट आपकी कहाँ चली जाएगी, तो वो 5 मिनट चली जाएगी बारकोड स्टिकर्स वगैरह जो भी आप लगाते हो उन सब चीज़ों के अंदर आपका वो टाइम जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। अच्छा, एक और बोनस पॉइंट, एक और बोनस चीज़ समझा रहा हूँ इस पेपर के अंदर आपको, वो क्या है कि किस तरीके से आपको पेपर लिखना है। से फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम में इस तरीके से पेपर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप फॉर एन एग्जाम्पल सेक्शन लिखते हो, ठीक है, तो सेक्शन को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ लोग सेक्शन सेंटर पे इस तरीके से सेक्शन ए लिख करके नीचे 2 अंडरलाइन कर देते हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। कुछ लोग इस तरीके की डिज़ाइन बना करके सेंटर पे सेक्शन लिखते हैं एंड देन सेक्शन ए लिख देते हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर हमको किस तरीके से सेक्शन लिखना है। किसी भी तरीके से लिखो, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना कि वो नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। और एक और चीज़ कि जब आप एसएस लिखते हो, जब आप साइज लिखते हो, तो यहाँ पे हमको थोड़ा लेंथ का भी ध्यान देना होता है। तो इसके लिए ट्राई करना प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से रखने का। यहाँ पे सेंटर पे आपने सबसे पहले लिख दिया सेक्शन ए, चलो मान लेते सेक्शन बी ले लेते फिलहाल के लिए, ठीक है, तो सेक्शन बी ले लिया। अब हमने यहाँ पे लास्ट में देखा था कि सेक्शन बी के अंदर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको बोला आपको हाफ पेज की लेंथ देनी रहेगी। तो आप क्या कर सकते हो, सेक्शन बी के अंदर ये जो मार्जिन बनाया हुआ है, मार्जिन के अंदर क्या लिख दोगे, आंसर 3, सपोज आंसर 30, आंसर आपने लिख दिया से फॉर एग्जाम्पल
आपने आंसर लिखा 22, तो आपने यहाँ पे आंसर 22 लिख दिया। अब आंसर 22 लिखने के बाद क्या करते हैं अपने यहाँ पे, जो आपका टॉपिक है, से फॉर एग्जाम्पल जो भी आपके क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसका जो हेड पॉइंट या जो मेन टॉपिक है, वो टॉपिक आप यहाँ पे एलोबरेट कर दोगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और उसको अंडरलाइन करके शो कर दोगे। देन उसके बाद आप पॉइंट वाइज जाओगे, मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखोगे, एंड देन बाद में क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर 28 सपोज लिख रहे हो, 28 लिखा, अगेन इन्वर्टेड कॉमास लिखा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करके टॉपिक को अपने इस तरीके से प्ले कर दिया, शो कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, जब आप इस तरीके से करोगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा प्रेजेंट करना, प्लस साथ में आप वेटेज एक लेंथ जो है वो भी दे पाओगे। अच्छा, एक और बोनस टिप दे रहा हूँ मैं आपको, क्या चीज़ बोनस टिप दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट आपको समझा देता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी आंसर लिखा, तो एक बात हमेशा याद रखना कि पेपर चेकर जो होते हैं उनको पेपर चेक करने के टाइम पे आप एक प्लस पॉइंट दे सकते हो, वो क्या कि जो आपने पूरा आंसर लिखा उसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, तो वो जो मेन पॉइंट्स है उन मेन पॉइंट्स को क्या कर देना, आप अंडरलाइन कर देना, जो भी मेन पॉइंट्स आ रहे हैं उन मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर देना। अब होगा क्या, इससे जब आप मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करोगे तो उससे उन लोगों का एक बोलते हैं ना पॉइंट जो है सीधा जो उनकी जो नज़र है चेक करते टाइम पे उस चीज़ों पे जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं जैसे आपका देखिए कि पॉइंट राइट है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ एक प्लस पॉइंट की तरह से वर्क करेगा और वहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बस ये वीडियो इतना ही शॉर्ट रखना था, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाया था, होप सो कि आप लोगों को सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड एट द एंड जो हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ, दैट इज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड एक और चीज़, वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना वो दबाना मत भूलना, और साथ में ये वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर नहीं लगा ही होगा दैट इज़ फॉर श्योर, तो फटाफट से जा करके ना शेयर वाले बटन पे जाओ और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 10th स्टैंडर्ड में है सबको शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू।